नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। मैं डांसर आपका स्वागत करता हूं बेटा आपके नए एक्सरसाइज 7.4 में। अब तक आपने 7.1, 7.2 एंड 7.3 कंप्लीट कर लिया और इंटीग्रेशन का कोई भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने। आपने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पढ़े थे या ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े थे, उन फॉर्मूलों के बेस पर ही आपने इंटीग्रेशन सीखा, इंटीग्रेशन का कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं सीखा। बट 7.4 थोड़ा डिफरेंट है। 7.4 आप स्टडी करोगे कि 10 पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन अगर आपके एग्जाम में आ जाएं तो आप उसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हो। आप 7.3 के बाद चेक करना, आपके एनसीईआरटी बुक में बात की गई है 10 पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, आपके ऊपर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन है। अगर आपको ये 10 पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन सीखना है तो पहले आपको इनके लिए 6 फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। बट नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं बेटा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे, हम फॉर्मूलों को प्रूफ करेंगे। क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर में देखा गया है कि जो फॉर्मूले हम याद करके जाते हैं ना एग्जाम में, वही प्रूफ करने के लिए आ जाता है कि ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो उसको प्रूफ करके दो। तो हम फॉर्मूले को, ये जो मैंने आपको बताया 6 टाइप के फॉर्मूले, इनको हम प्रूफ भी करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हम यही करने वाले हैं, पहले वो जो 6 फॉर्मूले हैं, 6 फॉर्मूले हैं, उनको प्रूफ करेंगे। एक बार आपको प्रूफ करना आ गया तो आपको पूरा एक्सरसाइज नॉर्मली समझ में आ जाएगा कि इस एक्सरसाइज में करना क्या है। तो ये 10 पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन क्या है, इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जा सकता है बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से, इन छोटे छोटे फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस प्रकार हमें एग्जाम में पता लगेगा कि इसी टाइप का क्वेश्चन है या इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये सब मैं आपको इस एक्सरसाइज में सिखाने वाला हूं नए तरीके से, नए मेथड से। तो पहले फॉर्मूला प्रूफ करेंगे, देन हम लोग एक्सरसाइज पे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया इंटरेस्टिंग और बेहतरीन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 7.4। यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 7.4। और सबसे पहले टाइप के, पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन की बात करें तो सबसे फर्स्ट टाइप का जो आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन, वो ये है कि आपको एक फॉर्मूला बेटा अक्सर हम याद कर लेते हैं बच्चे, वो ये फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 1/ में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो होता है वो वन होता है 1/ में 2a log मॉडुलस x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। ये फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेटा 1/ में x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/2 log मॉडुलस x माइनस ए और x प्लस ए, ये फॉर्मूला है। बट यूजली आजकल देखा गया है कि यही फॉर्मूला एग्जाम में प्रूफ करने के लिए भी आता है, क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हो ना इसका, तो कई बार यही चीज प्रूफ करने के लिए आता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इंटीग्रेट करने के लिए यही पूछ लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने के वैसे तो दो मेथड है हमारे पास, इसको दो प्रकार से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को दो प्रकार से मैं आपको प्रूफ करके दे सकता हूं। एक तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि थोड़ा आसान है, बट पार्शियल फ्रैक्शन अभी आपने टॉपिक सीखा नहीं है, वो आगे आ जाएगा। और जब आपको एक बार पार्शियल फ्रैक्शन आ जाएगा तो इसको आप बहुत इजी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। एक मेथड है पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड, जो कि आप आगे जाके सीखोगे, तो जब वो मेथड आ जाएगा तो आपको उस मेथड से बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हो। बट क्योंकि हम 7.4 कर रहे हैं और आपने अभी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सीखा है, तो मैं इसको दूसरे मेथड से आपको यही चीज, ये फॉर्मूला किसी और मेथड से प्रूफ करके देता हूं, ठीक है बेटा। तो चलिए ये फॉर्मूला कैसे बना इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपको इंटीग्रेट करना है, इस पूरे को इंटीग्रेट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने उठा लिया बेटा, इंटीग्रेशन किसका करना है, 1/ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन है। अब आप देख रहे हो कि यहां एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो फॉर्मूला आप लगा ही सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार माइनस में आ गया और एक बार प्लस में आ गया। अब अगर आपको यहां पर पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड होता है जो आप आगे सीखने वाले हो, अगर वो मेथड आता होगा तो यह बहुत ईजिली तरीके से प्रूव हो सकता है, बहुत आसान तरीके से, एक लाइन में अगले लाइन में आंसर भी आ जाएगा। लेकिन वो अभी हमने सीखा नहीं है, तो हम किसी और तरीके से बात करते हैं, ठीक है, कि किसी और मेथड से इसको कैसे प्रूव करें। तो इसका दूसरा मेथड क्या होता है बेटा, कि आप 2a से मल्टीप्लाई कर लो और 2a से डिवाइड कर लो, 2a से मल्टीप्लाई कर लो और 2a से डिवाइड कर लो। ये मेथड थोड़ा अजीब क्यों है, क्योंकि इसमें आपको याद रखना पड़ता है कि हमें 2a से मल्टीप्लाई करना है और 2a से डिवाइड करना है। और नॉर्मल सीधी सी बात है, जब एग्जाम में बैठते थे इतनी बातें याद नहीं रहती हम लोगों को,
इसलिए हम जो टीचर होते हैं ये प्रेफर करते हैं कि आप इनको पार्शियल फ्रैक्शन से प्रूव करो, लेकिन मैं फिर से कहूंगा अभी हमने मेथड नहीं सीखा है, इसलिए मैं आपको दूसरा मेथड सिखा रहा हूं कि 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड कर तो सकते हैं ना। नाउ 1 अपॉन 2a की जगह 1 अपॉन 2a, बेटा 2a है तो एक a अलग कर दिया, a अलग कर दिया, ऐसा तो कर सकते हैं, 2a है ना, तो a को दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब जब a को हमने दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक बार प्लस x कर लेंगे, एक बार माइनस x करेंगे, क्या कहा आपने, एक बार प्लस x करेंगे और एक बार माइनस x करेंगे, तो किस प्रकार से करेंगे, तरीका देखिए, इसका मेथड समझिए, बस यही स्टेप आपको समझना है। अगर आपको ये स्टेप, ये लाइन समझ में आ गई तो इंटीग्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे 2a को तोड़ना है a और a में, और एक बार प्लस x करना है, एक बार माइनस x करना है, तो देखिए क्या करूंगा, x प्लस a, a तो पहले ही था यहां पर, 2a का मतलब a तो पहले ही था, एक बार मैंने x प्लस कर दिया, माइनस x माइनस a, आप चेक करो क्या ये बिल्कुल वैलिड है इसके लिए, तो x प्लस a जब इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो माइनस x होगा और x से x कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में देखो ना, मैंने एक बार x प्लस किया है, एक बार x माइनस किया है, एक बार x मैंने प्लस किया है, एक बार x मैंने माइनस किया है, और जब माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा तो a और a 2a हो जाएगा, तो इस 2a को मैं ऐसे ब्रेक डाउन कर सकता हूं, x प्लस a और x माइनस a में ब्रेक डाउन कर दिया मैंने 2a को, इस प्रकार से ब्रेक डाउन कर दिया। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में आपका वही है x माइनस a और x प्लस a। नाउ अब दोनों को सेपरेट कर लो, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, दोनों को आप सेपरेट कर लो, तो 1 अपॉन में 2a जब आप सेपरेट करोगे तो x प्लस a आपका अलग हो जाएगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, अपॉन में x माइनस a और x प्लस a, ये पहला पार्ट आपका अलग हो गया, ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट आपने अलग कर लिया, फर्स्ट पार्ट आपने अलग कर लिया, चाहो तो dx मत लिखो यहां पर, सेकंड पार्ट आप अलग कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट अपॉन में जैसा था वैसा लिख दिया, सेकंड अपॉन में जो होगा वो भी लिख देंगे, तो सेकंड क्या है, सेकंड आपके पास x माइनस a है, अपॉन में, अपॉन में क्या है बेटा, तो x माइनस a है और x प्लस a है। देखो नॉर्मली हम, मैं देखता हूं कि बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं, वो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 2 log x माइनस a x प्लस a प्लस c, हो गया काम खत्म, बट ये सही तरीका नहीं है ना। अब ये इंटीग्रेशन पहली बार आप कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल करो तो जानना जरूरी है ना, ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, ये फॉर्मूला बना कैसे, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, यहां फॉर्मूला लगा दिया मैंने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तोड़ सकता हूं ऐसे, मैंने 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से डिवाइड कर दिया, 2a को ब्रेक डाउन कर लिया, x माइनस a और x प्लस में इस पैटर्न में डिवाइड कर दिया, पहला पार्ट मैंने अलग कर लिया, फर्स्ट पार्ट मैंने अलग कर लिया, सेकंड पार्ट मैंने अलग कर लिया। अब देखिए आपके पास क्या बचा, 1 अपॉन 2a की जगह 1 अपॉन 2a रहेगा, बेटा x प्लस a से x प्लस a कैंसिल हो गया, दिखाई दिया बेटा, x प्लस a से x प्लस a कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस a, 1 अपॉन x माइनस a, x की पावर 1 है, x की पावर 1 है, और भले ही उसके साथ में कांस्टेंट प्लस या माइनस उससे मतलब नहीं है, लेकिन x की पावर अगर 1 होता है तो उसका इंटीग्रेशन आपको सिखाया गया था log modulus x माइनस a, 1 अपॉन x, 1 अपॉन ये पूरा x है, ये x है पूरा, ये x है क्योंकि x की पावर 1 है, इस पूरे ब्रैकेट को हम x मानेंगे, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन आपको याद है log modulus x होता था, x की जगह लिख देंगे माइनस, सेकंड पार्ट देखो बेटा, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1 अपॉन में x प्लस a, 1 अपॉन x प्लस a, 1 अपॉन x प्लस a, इट मींस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर से क्या बनेगा, log modulus x प्लस a, क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर क्या है 1 है, तो 1 अपॉन x, ये पूरा x है, आप ये समझो पूरा t है, तो 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता, तो log modulus t, t की वैल्यू ये आ जाएगी, तो पहले का इंटीग्रेशन और दूसरे का इंटीग्रेशन। नाउ आपने एक चीज सीखा था कि जब दो log के बीच में माइनस हो, दो log के बीच में माइनस है, ध्यान से देखो, दो log के बीच में माइनस का साइन है, तो हम जानते थे कि log a माइनस log b जब ऐसा होता है, log a माइनस log b बीच में माइनस होता है, तो ये चीज डिवाइड में आ जाती है, तो ओवरऑल क्या बचेगा, 1 अपॉन 2a ऐसी रहेगा, log b ऐसी रहेगा, ये a है और ये b है, तो ये ऊपर आएगा x माइनस a, और ये अपॉन में आ जाएगा x प्लस a, और ये प्लस c, और डेट इज योर रिक्वायर्ड फॉर्मूला, यही तो आपको प्रूफ करना था, यही चीज प्रूफ करना था ना, आपके सामने प्रूफ है, तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि रटो मत फॉर्मूले को, याद मत करो, उसे प्रूफ करो, ज्यादा बेटर है। इससे दो बेनिफिट होंगे, पहला बेनिफिट कि अगर बाय चांस ये क्वेश्चन आ गया प्रूफ करने के लिए तो प्रूफ भी कर दोगे, दूसरा अगर आप बाय चांस
एग्जाम में भूल गए फॉर्मूला तो आप खुद भी बना सकते हो क्योंकि आपको मेथड पता है। और एक बार मेथड पता लग गया तो अभी मैंने सिखाया इसलिए टाइम लगा है, ये तो 5-7 मिनट लगे, क्यों लगे? क्योंकि मैंने आपको सिखाया। एक बार आपको सीख लोगे तो आपको क्या लगता है 30 सेकंड मैक्सिमम 30 सेकंड में इसका आंसर आ सकता है। एक बार अगर पार्शियल फ्रैक्शन मेथड आपको आ गया तो इसी का आंसर 30 सेकंड भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं 20 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा। आप देखते ही आंसर बता दोगे, देखते ही आंसर बता दोगे किसका आंसर ये आएगा। एक बार पार्शियल फ्रैक्शन जिसको आता है, ठीक है, तो हमने पहले फॉर्मूले को प्रूफ कर लिया बेटा। तो आपको याद रखना है कभी भी अगर इंटीग्रेशन इस प्रकार से होता है 1/(x²-a²) तो इसका फॉर्मूला होता है 1/(2a)(x-a)(x+a)+c। क्यों होता है इसका रीजन मैंने आपको यहां पर दे दिया, एक बार जल्दी से मैं आपको समझा देता हूं, जल्दी देखिए। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, हमने देखा a²-b² का फॉर्मूला क्या होता है a-b a+b। नाउ 2a से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a से डिवाइड कर दिया, 2a तो a अलग कर दिया, a अलग कर दिया, एक में x प्लस कर दिया, एक में x माइनस कर दिया। अब इसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया, पहला पार्ट अलग कर दिया, दूसरा पार्ट आपका अलग कर दिया, फर्स्ट पार्ट आपका अलग, ये फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट अलग हो गया, सेकंड पार्ट अलग हो गया, अपॉन में जो था लिख दिया, अपॉन में जो था लिख दिया। बेटा आप ध्यान से देखो तो आपको दिखाई देगा x प्लस a से x प्लस a कैंसिल, x माइनस a से x माइनस a कैंसिल, बचा क्या आपके पास, आपके पास बचा 1/t, ये t है, 1/t log modulus t होता है, माइनस किएगा माइनस, 1/t log modulus t। अब दो log के बीच में जब माइनस होता है, log a माइनस log b, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि log a अपॉन में log b, तो ये देखिए आपके सामने जो आपको इस समय दिखाई दे रहा है ये आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से हमने इस फॉर्मूले को बेटा प्रूफ करके लिख लिया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन था, पहले टाइप का फॉर्मूला, ये पहले टाइप का फर्स्ट टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रेशन। नाउ सेकंड की बात करते हैं, टू पर आते हैं बेटा, फॉर्मूला नंबर टू पे आते हैं बेटा। फॉर्मूला अभी हम एक्सरसाइज पे नहीं पहुंचे, पहले फॉर्मूला प्रूफ कर रहे हैं ये फॉर्मूला बने कैसे। फॉर्मूला नंबर टू पे पहुंचे बेटा, इंटीग्रेशन आपको करना है dx अपॉन में a²-x²। अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता लगता कि फर्स्ट फॉर्मूले और सेकंड फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है। वहां x²-a² था, पहले पार्ट में x²-a² था, वेरिएबल माइनस कॉन्स्टेंट था, यहां कॉन्स्टेंट माइनस वेरिएबल है, दोनों में डिफरेंस है, समझ आ रहा। फर्स्ट में क्या था x²-a², वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, बट यहां क्या है कॉन्स्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर, तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी वही होता है 1/2a log मॉडुलस। अब यहां पर थोड़े से बदलाव है, यहां पर थोड़े से चेंजेस है, 1/2 log ये तो बिल्कुल सेम आपको मिलेगा, बट यहां पर आपका होता है बेटा a प्लस एक्स और a माइनस एक्स और प्लस का c, ये आपका फॉर्मूला बनता है 1/2a log मॉडुलस x या a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। अब ये फॉर्मूला है, ये पर्टिकुलर रूप से फॉर्मूला है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम फॉर्मूला को रट्टा मार ले, रट्टा मार ले पेपर के लिए, बट तब क्या करोगे जब ये फॉर्मूला ही प्रूफ करने के लिए आ जाए। भाई ये भी तो इंटीग्रेशन का अपने आप में क्वेश्चन है ना, ये भी तो आप अपने आप से पूछिए ना, ये भी तो पर्टिकुलर रूप से एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही तो है ये, तो हमें इसका इंटीग्रेशन भी तो आना चाहिए ना, किसका इंटीग्रेट कैसे करोगे। तो नाउ चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड मैंने उठा लिया और लेफ्ट हैंड साइड क्या है dx अपॉन में a²-x²। यहां भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां पे फॉर्मूला लगाया जा सकता है, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा 1/(a²-b²), तो एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये सबको हमें पता है, एक बार आपने लिख दिया माइनस में, एक बार आपने लिख दिया प्लस में, बिल्कुल सेम स्टेप करोगे, 2a से मल्टीप्लाई करोगे और 2a से डिवाइड करोगे, 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड, क्लियर हो गया, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, पहले में भी ऐसे किया था। और सर अगर मुझे याद नहीं रहा तो मैं एक चीज बताना चाहूं, देखो अगर ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आ गया, फॉर्मूला अगर आपको याद है तो भी आप कर लोगे, कैसे फॉर्मूले में देखो 1/2a आता है ना, फॉर्मूले में 1/2a आता है ना, इससे आपको याद रहेगा कि 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड करना है। फॉर्मूले में क्या आया था, फॉर्मूले देखो 1/2a आ रहा है, तो इससे आपको याद रहेगा कि 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड, और यही आपको याद रखना है कि 2a से मल्टीप्लाई 2a से डिवाइड। अब इसको मुझे दो हिस्सों में तोड़ना है, तो मैं इसे कैसे तोड़ सकता हूं, देखिए कमाल देखिए, 2a तो मैं लिख सकता हूं a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स, ऐसे तो लिख ही सकता हूं मैं, ठीक है बेटा 2a, a और a देखो दो हिस्सों में, a और a दो हिस्सों में है, एक बार प्लस एक्स कर दिया, एक बार माइनस एक्स कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। 2a को मैंने दो हिस्सों में लिख दिया, एक बार प्लस का a, एक बार माइनस, एक बार दोनों वाले दिया, 2a को दो हिस्सों में तोड़ लिया a प्लस a में, और एक बार प्लस x कर लिया, एक बार माइनस x कर लिया। अब
अपॉन में जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट में किया था, दोनों को सेपरेट कर दो, फर्स्ट पार्ट अलग कर दो, सेकंड पार्ट अलग कर दो। फर्स्ट पार्ट क्या है, a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट आपके पास है a माइनस एक्स और a प्लस एक्स इंटीग्रेशन। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा? क्या मेरे लाल, मेरे सोना, मेरे चंदा, मेरे समोसे, क्या आपको समझ में आ रहा है बेटा? हमने दोनों पार्ट को सेपरेट कर दिया, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, पहले पार्ट में किया था, ऐसे ही हमने दोनों पार्ट को फिर से सेपरेट कर दिया। नाउ अब देखते हैं क्या कैंसिल हो रहा है, चेक करो एक बार। a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल और a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कैंसिल। नाउ अब आपको दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है कि 1 अपॉन a माइनस एक्स बचा, इसके पास ये बचा 1 अपॉन में a माइनस एक्स और प्लस 1 अपॉन में a प्लस एक्स, ये आपके पास बचा। अब आप इसका, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। 1 अपॉन में 2a, अब यहां देखो 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x और 1 अपॉन x, यानी इसको t मान के चलो कि t है, पूरा t है, तो 1 अपॉन में t किसका डेरिवेटिव होता है, log का। तो इसका आंसर क्या आएगा, log मॉडुलस a माइनस x। बट यहां एक दिक्कत है, एक समस्या है, अगर आप देख रहे हो कि x माइनस का है, पिछले क्वेश्चन में x पॉजिटिव था तो कोई परेशानी नहीं था क्योंकि इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, बट इसका डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 आएगा, इसलिए आपको माइनस भी लगाना पड़ेगा भाई। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन क्या होता है, log मॉडुलस t, तो ये आपने आ गया। फिर इसका बचे हुए का डेरिवेटिव भी तो होता था ना, ये जो बच गया अपॉन में, a का तो जीरो हो जाएगा, लेकिन माइनस x का जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 1 होगा, इसलिए माइनस लगाना पड़ेगा आपको। प्लस ये 1 अपॉन t है, ये 1 अपॉन t है, और 1 अपॉन t क्या होता है, तो log मॉडुलस t होता है। तो लो जी फिर से आपके सामने आ चुका है, ठीक है बेटा। नाउ 1 अपॉन 2a की जगह 1 अपॉन 2a, देखो बेटा ये भी log है, ये भी log है, दोनों को ध्यान से देखो, ये भी log के फॉर्म में, ये भी log के फॉर्म में, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो इसे बोलेंगे log a और इसे बोलेंगे log b। log a पॉजिटिव है, log b नेगेटिव है, तो हम जानते हैं कि जब दो लॉग के बीच में माइनस का साइन होता है तो प्लस वाला तो ऊपर आएगा, तो हम लिख सकते हैं बेटा लॉग ये आपका ऊपर आ जाएगा, a प्लस एक्स आपका ऊपर आ जाएगा। अब ये क्योंकि माइनस में है तो ये अपॉन में आ जाएगा, a माइनस एक्स और ये प्लस का c बन गया। तो इस प्रकार से देखो आपने इंटीग्रेट कर लिया, यही आंसर आ गया, ये आपका क्या आ गया, आर एच एस राइट हैंड साइड। तो आपने सेकेंड फॉर्मूले को भी प्रूफ कर लिया, छह फॉर्मुले में दो फॉर्मुले आप प्रूफ कर चुके हो। लास्ट बार एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर मैं थर्ड पे पहुंच जाऊंगा। देखिए बेटा एक बार जल्दी से एक बार देख लीजिए क्या था, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये फॉर्मुला था, ये आपको प्रूफ करना था, प्रूफ क्या करना था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर से फॉर्मुला लगा दिया, ए माइनस एस ए प्लस एक्स, टू ए से मल्टीप्लाई कर लिया, टू ए से डिवाइड कर लिया, टू ए की जगह टू ए, अब a प्लस ए दो हिस्सों में तोड़ दिया, एक बार प्लस x कर लिया, एक बार माइनस x कर लिया, पहला हिस्सा अलग हो गया, दूसरा हिस्सा अलग हो गया, a प्लस x से a प्लस x कैंसिल, 1 अपॉन में a माइनस x बचा, 1 अपॉन में a प्लस x बचा, इसे बोलते हैं 1 अपॉन t, 1 अपॉन t होता है log मॉडुलस t, बट x जो है वो माइनस का है, तो अपॉन में माइनस 1, तो माइनस 1 यहां लगा देंगे, 1 अपॉन में t, 1 अपॉन t होता है log मॉडुलस t। अब जो पॉजिटिव होता है बेटा, पॉजिटिव वाला ऊपर आता है और नेगेटिव वाला अपॉन में आता है, तो log a प्लस x पहले आएगा और a माइनस x अपॉन में आ जाएगा। इस प्रकार से आपने राइट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। तो अब तक हमने दो चीज का इंटीग्रेट करना सीखा, दो पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने दो पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन अब तक हमने सीखा, दो दो विशिष्ट प्रकार के फंक्शन का इंटीग्रेशन हमने सीख लिया। पहला 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं दोबारा बताता हूं, एक आपको इंटीग्रेशन आ गया होगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, और एक आपको इंटीग्रेशन आ गया होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। इस दो टाइप का इंटीग्रेशन आपने सीख लिया, दो प्रकार के इंटीग्रेशन आप सीख चुके हो। अब थर्ड आता है कि अब तक दोनों में माइनस था, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो प्लस का केस लेते हैं। तो प्लस वाले में क्या लोगे, थर्ड केस, यहां फॉर्मूला नंबर तीन आता बेटा, आइडेंटिटी नंबर तीन आता है, या आइडेंटिटी नंबर तीन बोल लो, या तो आप आइडेंटिटी नंबर तीन बोल लो, या पर्टिकुलर फंक्शन जो है उसका थर्ड पार्ट है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1 अपॉन में a tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस c। ये आपको इंटीग्रेट करना है बेटा, ये आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसका मतलब इसका रिलेशन टेन से तो कहीं ना कहीं टेन से तो जरूर है। अगर मान लो मुझे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ गया, तो मैं जानता हूं उसका फॉर्मूला, तो मुझे पता होगा कि इसका रिलेशन टेन से तो जरूर है, इसका रिलेशन टेन से तो कहीं ना कहीं जरूर है। ये मेरे लिए थोड़ा सा हिंट है, ठीक है, और कोई हिंट तो है भी नहीं मेरे पास, टेन के फॉर्म में मुझे आंसर लाना है।
तो यही थी मुझे प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड फिर से उठा लेता हूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। लेकिन एक दिक्कत है, यहां तो फॉर्मूला भी नहीं लग रहा ना, माइनस होता तो फॉर्मूला भी लग जाता, माइनस होता तो फॉर्मूला भी लग जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां तो प्लस है तो फॉर्मूला भी नहीं लग सकता, फंस गए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला भी नहीं होता, तो फंस गए। तो इन दैट केस अब मुझे x की वैल्यू कोई रिप्लेस करनी है, और x की वैल्यू क्या रिप्लेस करूं सर, टेंशन कि मैं x की वैल्यू क्या रिप्लेस करूं, तो मैं x की वैल्यू 10 के फॉर्म में रिप्लेस करूंगा। क्यों? क्योंकि आंसर मुझे 10 के फॉर्म में लाना है, आंसर मुझे किसके फॉर्म में लाना है, 10 के फॉर्म में लाना है। तो जो भी मैं x को लेट करूंगा वो 10 के फॉर्म में लेट करूंगा। अगर आपने चैप्टर 2 करा हो तो आपको ध्यान होगा इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए बेटा लेट, मैंने x को लेट कर लिया बेटा a tan थीटा। अब मुझसे कोई नहीं पूछेगा कि मैंने tan थीटा ही क्यों लेट किया, क्यों लेट किया भाई, क्योंकि मुझे आंसर 10 के फॉर्म में लाना है भाई, सीधी सी जवाब है, मुझे आंसर 10 के फॉर्म में लाना है इसलिए मैं 10 लेट कर लूंगा, 10 मैंने लेट कर लिया। ठीक है बेटा, इसका अगर डेरिवेटिव कर दूं, इसका अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है बेटा, ए की जगह ए tan है, ए जो है कांस्टेंट है, टेन का डेरिवेटिव होता है बेटा sec स्क्वायर थीटा, और साथ में आएगा डी थीटा अपॉन में dx। अगर मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो dx की 1 से होगी, तो dx की वैल्यू आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये dx की वैल्यू आ गया। नाउ वापस क्वेश्चन पे चलता हूं जहां मैंने LHS शुरू किया था। मेरा LHS क्या था बेटा, ऊपर था dx और dx की वैल्यू क्या निकाली है, dx की वैल्यू क्या निकाली है, a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, ये तो हो गई dx की वैल्यू। अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में है बेटा x square है, x मैंने इसको लेट किया था, x मैंने इसको लेट किया था, तो x की जगह क्या लिखूंगा, a tan theta इसका square, x क्या लिखा ना, x square, x क्या लेट किया था, x हमने लेट किया था a tan theta इसका square करूंगा, तो क्या आएगा बेटा, ये आएगा a square tan square theta, a square tan square theta, और प्लस x square के बाद क्या है, a square है, तो प्लस में a square। नाउ अगर आप देख पा रहे हो तो ध्यान से देखो, ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, ए यहां पर है, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, ए स्क्वायर कॉमन आ गया, एक ए से एक ए कट जाएगा तो 1 अपॉन ए बचेगा। क्या सबको पता लगा ये 1 अपॉन ए कहां से आया, मेरे लाल, मेरे चंदा, मेरे सोना, मेरे राज कचोरी बेटा, ए स्क्वायर दोनों के पास है, तो ए स्क्वायर बाहर निकालूंगा ना, तो एक ए से एक ए कट जाएगा, लेकिन ए के तो अभी भी बचेगा ना, तो 1 अपॉन ए, क्लियर हो गया। नाउ ऊपर क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा sec स्क्वायर थीटा और साथ में d थीटा, और अपॉन में क्या बचा, आपने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया था, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो tan स्क्वायर थीटा बचा, यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 लिया। अब ये किसी का फॉर्मूला होता है, याद करो अगर जल्दी आ जाए, 10th क्लास पढ़ के आए हो, 10वीं क्लास पढ़ के आए हो, जल्दी देखो, मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था 7.3 में कि tan स्क्वायर प्लस 1 ये किसका फॉर्मूला होता है, ये sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है, d थीटा बेटा, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 1, और 1 का इंटीग्रेशन, यहां कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लेकिन यहां थीटा के रिस्पेक्ट में है तो x नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, क्लियर हो गया, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, बट यहां x नहीं लिख सकते क्योंकि वेरिएबल थीटा है, तो मैं यहां पे थीटा लिख सकता हूं कि 1 अपॉन a, ये पूरा कैंसिल हो गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन थीटा और प्लस का c, तो 1 अपॉन a की जगह 1 अपॉन a, अब नाउ थीटा क्या लिखा हुआ है, थीटा, क्या मैं थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं बिल्कुल यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, देखिए थीटा की वैल्यू कैसे निकालूंगा, a आ जाएगा अपॉन में, a आ जाएगा अपॉन में, a को ले आओ अपॉन में, ये भैया ये a को ले आओ अपॉन में, तो क्या बचा x अपॉन में a, x अपॉन में a, a आ गया अपॉन में, x अपॉन में, इक्वल टू में क्या बचा, तो इक्वल टू में tan थीटा बचा, मुझे तो थीटा की वैल्यू चाहिए, मुझे तो इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो tan को भी इधर ले आओ, आप tan को भी इधर ले आओ, tan को भी इधर ले आओ, तो tan को भी आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स x अपॉन में a, किसकी वैल्यू आ गई, थीटा की वैल्यू, दोबारा देख लो बेटा बच्चों, a आ जाएगा अपॉन में, x अपॉन में a, इक्वल टू बचेगा tan थीटा, tan को भी आप इधर ले आओगे, tan को भी उठा के, tan को भी आप उठा के इधर ले आओ, तो tan इनवर्स x अपॉन a, किसकी वैल्यू आ गई, दैट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो मैं थीटा की वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूं, मैं थीटा की वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूं, थीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, tan इनवर्स x अपॉन में a
प्लस सी और डेट इज योर RHS। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि जो हम फॉर्मूला रट्टा मार के जा रहे हैं, याद करके जा रहे हैं, जिसको हम साइकोलॉजी के भाषा में बोलते हैं रोट मेमोराइजेशन, हमने याद कर लिया, रट लिया, हमें प्रूफ करना भी आना चाहिए। क्योंकि इन डेथ केस अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो यही क्वेश्चन बन सकता है 4 नंबर के लिए कि भाई इसको प्रूफ करके दो। तो फॉर्मूला को रटे नहीं, उसको प्रूफ करें प्लीज, इस बात को ध्यान दें। मैं इसलिए 1 घंटा आपका बर्बाद करने वाला हूं सिर्फ फॉर्मूले में। मैं चाहता हूं डायरेक्ट आपको देखो 7.4 स्टार्ट कर देता भाई, ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना 7.4 में। लेकिन मैं जानता हूं कि अभी तो मैं कर दूंगा, लेकिन जब कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे तब आपको परेशानी होगी, जो मैं नहीं चाहता। अभी ज्यादा टाइम लग जाए ज्यादा बेहतर है, लेकिन हमें लॉन्ग पीरियड के लिए सोचना है। बिल्डिंग जब बनाते हैं, बेस जो होता है, पहला मंजिल जो होता है, उसमें टाइम दो, उसे बढ़िया से बनाओ, आगे की बिल्डिंग अपने आप जल्दी जल्दी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए हम टाइम कंज्यूम करेंगे, एक एक चीज को सीखेंगे। नाउ एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं, ये आपको प्रूफ करना था, ये थर्ड फॉर्मूला था, ये आपको प्रूफ करना था। एक मिनट एसी बंद कर दो बेटा, आवाज डिस्टर्ब कर रहा है, गर्मी लग जाती है ना, गर्मी का मौसम है ना बेटा। चलिए कोई नहीं, ठंड का मौसम भी आएगा। आइए, हाँ जी, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a tan inverse x/a। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, जिनको फॉर्मूला याद करना है डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, 1/x² + a² = 1/a tan inverse x/a, ये फॉर्मूला होता है। अब जिसको प्रूफ करना है, देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। अब फॉर्मूला नहीं होता तो मैं फंस गया कि मैं करूं क्या, मैं फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकता, तो मैं x की वैल्यू को रिप्लेस कर देता हूं। अब x की वैल्यू क्या मानू, साइन मानू, कॉस मानू, टेन मानू, कोसेक मानू, सेक मानू, कॉट मानू, 6 ऑप्शन है मेरे पास, 6 में से कुछ भी मान सकता हूं। तो मैं 10 के फॉर्म में मानूंगा, क्योंकि मुझे आंसर 10 के फॉर्म में निकालना है। ये चीज मेरे दिमाग में कहीं है कि क्योंकि मुझे आंसर 10 के फॉर्म में निकालना है, इसलिए मुझे पहली हिंट मिल गया कि भैया x की वैल्यू 10 के फॉर्म में रखना। तो मैंने x की वैल्यू क्या लेट कर लिया, a tan थीटा, ये बाद में सीखेंगे कहां से आया। नाउ x का डेरिवेटिव 1 होता है, a की जगह a, tan का sec स्क्वायर, थीटा की जगह d थीटा / dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे dx यहां आ जाएगा, तो dx की वैल्यू आ गई a sec स्क्वायर d थीटा। वापस क्वेश्चन पे पहुंच गया बेटा, ऊपर क्या था, dx था, देखो ऊपर dx था, यहां था ना dx, ये देखो dx, यहां dx लिखा हुआ है, तो dx की वैल्यू क्या आई थी, dx की वैल्यू आपके सामने है, तो ये लिख दिया वैल्यू। x स्क्वायर था तो x क्या माना था, यहां पे देखो x स्क्वायर था और x हमने माना था a tan थीटा, स्क्वायर कर दोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन ले लिया बाहर आ गया, तो a से a के कैंसिल हो गया, 1/a बचेगा, sec स्क्वायर की जगह sec स्क्वायर, tan स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर, 1 आ जाएगा, a स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा, tan स्क्वायर प्लस 1 क्या होता है, तो sec स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, तो tan इनवर्स x / देखो 1/a की जगह 1/a, 1/a की जगह 1/a, थीटा की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, तो tan इनवर्स x / में a, तो दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आज के बाद कभी भी याद रखना ये 3 पर्टिकुलर टाइप के फॉर्मूले होते हैं। अच्छा कई बार मुझसे पूछते हैं सर इसका फॉर्मूला क्यों नहीं होता, कई बार बच्चे पूछ लेते हैं, मैथ थोड़ी कमजोर होती है तो बच्चे पूछ लेते हैं। सर एक बात बताइए, आपने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का हमें फॉर्मूला सिखाया, आपने सर जी हमें a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का भी फॉर्मूला सिखाया, आपने हमें सर जी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का भी फॉर्मूला सिखाया, बट आप इसका फॉर्मूला क्यों नहीं सिखा रहे, 1/a² + x² इसका फॉर्मूला क्यों नहीं सिखाते। बच्चों ये दोनों एक ही बात है, ये दोनों एक ही चीज है, प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे पता है अधिकतर बच्चों को पता है, आप में से जिनकी मैथ अच्छी हो कहेंगे हाँ मुझे पता है सर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे, हर बच्चे को देखना पड़ता है, हमें हर बच्चे को लेके चलना है, लीडर वही होता ना, टीचर वही होता ना, हर किसी को लेके चले। अगर उसे इंटेलिजेंट बच्चों को ही पढ़ाना होता, अगर वो सिर्फ इंटेलिजेंट बच्चों को पढ़ा रहा था, जो भाई जिनकी कमजोर है उनको क्या पीछे छोड़ दें, उनको लात मार दें कि आप मत पढ़ो, हर किसी को साथ में लेके चलना है, ठीक है। इंटेलिजेंट को और बेहतर बनाना है, जो एवरेज है उसको इंटेलिजेंट बनाना है, और जो बहुत पीछे है उसको हमें एवरेज बनाना है। तो बेटा इन दोनों का मतलब एक ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, प्लस माइनस में आगे पीछे होने से। देखो माइनस में फर्क पड़ता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दोनों डिफरेंट चीज है, बट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों एक ही चीज होती है। इसलिए हमें 3 टाइप के फॉर्मूले पहले आने चाहिए जो आपने प्रूव करें। तो यहां पर ये 3 टाइप का पर्टिकुलर फंक्शन तैयार होता है, जल्दी से नोट करो, फिर मैं आता फॉर्मूला नंबर 4 पे। अभी अलग से क्यों सिखाऊंगा, 4, 5, 6 हम एक साथ सीखेंगे, क्यों, क्योंकि उन तीनों में अंडर रूट आएगा, इनमें अंडर रूट नहीं था कहीं पे भी, इन तीनों में कहीं भी अंडर रूट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बट अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं उसमें अंडर रूट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट नोट करो बेटा, मैं 4th स्टार्ट करने वाला हूं।